अगर पैसे वाले रहते तो ऐसे पहाड़ी में आके पत्थर तोड़ के और मजदूरी करके यहाँ हम घर नहीं बनाते। हम लोग गरीब है, हम लोग मेहनत के कमाई खून पसीना के लगा रखे, हम लोग मुसीबत झेल सकते हैं, चाहे जितना भी सरकार झेलाए हम झेल सकते सर। लेकिन इस हालात में अगर घर से बेघर सरकार अगर कर रहे हैं तो हम देखिए रहे घर बनाए हैं रहे भी नहीं, ऐसी हालात में मैं भी आपके सामने टूटी फूटी है सारे। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे छोटे छोटे, हमारे पास काम नहीं है, एक सालों से कोरोना चल रहे हैं, अभी दूसरे तीसरी लहर आने वाली है, किराए में मकान नहीं मिल रहे, 10,000 रुपये किराया मांग रहे, हम कहाँ से दें, हमारे काम नहीं है। तो मेरे 3 लड़का 1 लड़की है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम बिहार के रहने वाले, सीतामढ़ी जिला के। ज्यादातर यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं आंटी जी, मजदूर हैं या कैसे लोग? सारे यहाँ मजदूर है, रोज के कमाने वाला, रोज के खाने वाला, यहाँ कोई पैसे वाली नहीं। हम लड़की के शादी के लिए पैसा रखे तो वो भी यहाँ लगा दिए 2 साल पहले, हम शादी कैसे करे लड़की को, सरकार यहाँ से हमें गुजार रही है, हम जाए तो कहाँ जाए, ना पानी है ना बिजली है ना कुछ है। 2002 के हम जमीन ले रखे हैं, पर 4 बार में ये घर बनाए हम, थोड़े थोड़े करके जब बनाए पुलिस वाले आए, वो उनको 15,000 दिए, 10,000 दिए, इतने पैसे लेके गए वो लोग। आपको पता नहीं है कि कई बार घर आके तोड़ दिया हमारी, जो यहाँ के डन लोग है, ज्यादा तो हमारी जो ये झुग्गी झोपड़ी है यही हमारा छोड़ दिया जाए, कि हम भी बहुत खून पसीना के पैसे लगाए, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के। लेकिन ये सरकारी जमीन है वन विभाग की, ये अरावली पहाड़ी है, पर ऐसी पहाड़ी है तो बहुत जगह है ना, ऐसी पहाड़ी है तो हम खाली, हम ही थोड़ी ना पहाड़ी में बसे हैं, पूरा हरियाणा ही बसी हुई है, तो पूरे फरीदाबाद को नहीं उजाड़ जाए, हमें उजाड़ा जा रहा है गरीब देख के। कौन सा घर है आपका? ये घर अभी तोड़ के बना रही थी, पहले तो ऐसे ही थे, अब सोचे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, दिक्कत हो रही थी, मैं सोची चलो बना लेती हूँ, अभी तो 1 दिन रही भी नहीं, बताओ ऐसा हालात में हम कहाँ जाएंगे, सरकार हमें भगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस हालात में देखिए आपको सामने ऐसे घर में मैं अभी रही भी नहीं हूँ, अभी अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जब मैं किराया पर रूम लूँ और जाऊँ, इसी में रह रही हूँ, क्या करूँ, जो पैसे थे वो मैंने लगा दी, जो पैसे थे मैंने लगा दिया, मैं कहाँ जाऊंगी इस हालात में, सरकार अगर कह रहे खाली करने के लिए हम कहाँ जाएंगे खाली करके, मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, जो था मैंने लगा दी, आपको नजर के सामने आप देख रहे हो। तो आप क्या चाहती क्या हो सरकार से आप? अब क्या चाहते, हम यही रहेंगे कहाँ जाएंगे, हमें देंगे सरकार इसके बदले तो हम कहीं जाएंगे नहीं, तो हम यही रहेंगे, हमारे पास तो पैसा है नहीं, जब किराया पर जाएंगे या कहीं जमीन लेंगे या गाँव से सब चीज बेच बाच के यहाँ लगा दिए तो हम कहाँ जाएंगे, हम लोग तो कहीं के नहीं है। यहाँ पर लाइट और पानी, लाइट पानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए आपको सामने ऐसी पड़े हैं, सब ऐसे पड़े, हाँ सब ऐसी गर्मी में मर रहे, धूप में तड़प रहे, क्या करेंगे। मेरा नाम गायत्री है। गायत्री जी कहाँ के रहने वाली हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो खोरी कॉलोनी है ये फरीदाबाद में। हाँ जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं कि हाँ खाली करनी पड़ेगी, पर हम खाली नहीं करेंगे यहाँ से, हम जाए तो कहाँ जाए यहाँ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश था, पर हम जाए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट दिए तो हम कहीं चले जाए, तो हम यही रहेंगे। 15 दिन पहले मुनादी करा दी गई, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, कहाँ जाएंगे अब आप? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के हम ये घर बनाए, हम महंगे जमीन लिए, 1.5 लाख की जमीन खरीदी है, जिनसे खरीदी है वो मर गए, वो नहीं है यहाँ पे। तो सबूत है जमीन आपके पास? नहीं है, है छोटी सी पर्ची है पर उसका कोई मानता नहीं है, नहीं कुछ नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, ये एक उम्मीद थी जो हम घर बनाए हैं, जो हमारे सरकार यहाँ मेरे से घर नहीं छीना जाए, झुग्गी झोपड़ी नहीं छीना जाए, यहाँ हमारे मकान रहने दें, हम अपना जैसे भी गुजर कर रहे हैं हम करेंगे, चाहे मजदूरी करके कर रहे 1 रोटी आ चाहे हम मेहनत से करके कर रहे खून पसीना बहा के, लेकिन हमारा सरकार घर नहीं छीने, हम झुग्गी झोपड़ी तान के रहेंगे लेकिन हम यहाँ से खाली करके नहीं जाएंगे। आपको सामने देखिए क्या हालात है हमारे घर के, और हम अभी फिलहाल पैसा लगाए हम रहे भी नहीं, 1 महीना भी रह लेते तो हमारे दिल की अरमान पूरी हो जाती, लेकिन सरकार इतनी अगर अत्याचार कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर तो सर पब्लिक कहाँ जाएंगे, लाखों करोड़ों की आबादी है, लाखों करोड़ों पब्लिक यहाँ बच चुके हैं, तो इतनी सरकार कहाँ देंगे, कहाँ कितना फ्लैट बना के रखे जो सरकार उसमें शिफ्ट करेंगे
वो उनको सोचना चाहिए ना, जब हम इतने सरकार पब्लिक के भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे पब्लिक। इतने तो फ्लैट नहीं बना रखे हैं, एक दस दस लाख के, बीस बीस लाख, पच्चीस लाख, पचास पचास लाख के, करोड़ों के फ्लैट मिल रहा है। उतनी हमारे हैसियत है गरीब आदमी की, जब फ्लैट में जाएंगे हम खरीद के रहने, सारे जिंदगी के कमाए तो खून पसीना के यहाँ लगा दिए। आंटी जी, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा करा है, यहाँ लोग नाम उनका बताने से डरते हैं क्या, धमकाते हैं, वो धमकी उमकी देते हैं? देखिए, नाम की तो बात दूर है, अब हम लोग के साथ जो धोखाधड़ी हो गया, लेकिन सरकार हमारे साथ धोखा क्यों कर रही है? हम कहाँ जाएंगे? सरकार अगर नीमन रहते तो हमारे साथ जो धोखा करके चला गया। अभी भी तो सरकार हमारे रहने दो इस जमीन पर, जो हम अगर जुगी तान के रह सकते हैं। सरकार अगर अच्छे हैं, हम उनका खिलाफ नहीं बात कर रहे, अगर अच्छे सरकार है उसको मैं अच्छे मान रही हूँ, तो फिर हम लोग के घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? वो तो सारे दुनिया के मालिक। अगर आप उन माफियाओं का नाम बताओगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ना? कोई माफिया डराते हैं आपको? कोई हमें कोई नहीं डराता, मैं खुला बोल रही हूँ, मेरे से किसी का डर नहीं है। या सरकार है, सरकार के आगे मैं ये अपील कर रही हूँ, जो सरकार हमें घर नहीं छीने, हमारे घर रहने दे, झुग्गी झोपड़ी हमारा बचा दे। सरकार, इतनी मुसीबत में हम लोग बगैर लाइट के, बगैर पानी के रह रही हूँ, किस तरीके से हम जिंदगी काट रहे गरीब आदमी, सरकार देखने आ रहे नहीं आ रहे ना? अगर देखते तो इस पे आवाज उठाते ना सरकार, जो इतनी उसको प्रॉब्लम हो रही है, चलो चल के उसका मैं फैसला कर रहा हूँ, उसका मैं हल कर रहा हूँ, कोई समस्या का हल कर रहा हूँ, नहीं कह रहे ना? आपको पता नहीं है कि जमीन जो है सरकार ये? हमें नहीं पता था, पता होता तो हम लेते ही नहीं। अच्छा, हम महंगे का, हमारे बजट नहीं थी कि हम कहीं और महंगे में लें, जब दुनिया ली पब्लिक ने तो हम भी ले लिए। खोरी कॉलोनी में कितने घर होंगे? करीब 10,000 है, लाख लोग से भी ज्यादा बसे हुए हैं यहाँ पे। कुछ सबूत है आके लोगों के पास को ऐसा? कुछ लोग पास है, कुछ लोग पास नहीं है। कुछ लोग पास है कि आईडी प्रूफ सब कुछ बना हुआ है, कुछ लोग पास कुछ भी नहीं बना हुआ है। यहाँ बिजली पानी शौचालय वगैरह बने सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं बने, पब्लिक अपनी बनवा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि खाली करनी पड़ेगी खोरी कॉलोनी, और सरकार ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा दिया है, पुलिस लगा दी है, बुलडोजर लगा रखी है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि नहीं टूटेगी ना, हम ऐसे कहीं जाएंगे। कहीं आपने भी दरखास्त लगाई, कुछ आप अपील करी किसी से, अधिकारी से, सरकार? सबसे कर चुके हैं हम तो, धरना प्रदर्शन भी डाल रहे हैं, सारी बातें हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, दो बार यहाँ दिए, तीन चार बार और भी कहीं कहीं गए, फरीदाबाद में भी गए, खट्टर साहब के पास भी गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला हम आएंगे, आपको देखेंगे कॉलोनी, दो चार महीना पहले गए थे तो वो नहीं आए। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, वो बोली है सरकार पर पलट गई इस बार, तो कोई सुनने का राजी नहीं है। मोदी सरकार ने ये भी कहा था, नारा दिया था कि 2022 तक सभी गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है घर दे दिए जाएंगे बना करके, तो कुछ भी तो नहीं दे रहे। 2022-2021 में तो हम उजारे जा रहे हैं, छत से घर छीन रहे हैं, हमारी सर से तो छत छीनी जा रही है ना, तो सरकार तो जाएगा है, वो फिर फर्जी है। फर्जी है वो, तो फर्जी तो निकल गए अब, फर्जी नहीं होता तो ऐसा थोड़ी करती है सरकार हमारे साथ, धोखा तो कर रही है वो। मोदी सरकार बहुत मजबूत है, वो ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो अमीरों के लिए गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए सुनती तो थोड़ा ना ऐसा करती है। अब क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? अब क्या समस्या हमारे घर का है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमें वो दिया जाए या सड़क बनवाए जाए, हमें यहीं रहने दिए जाए, नहीं तो हमें मुहावरा मिले, नहीं तो हमें कहीं और जमीन मिले, फिर हम छोड़ के जाएंगे यहाँ से।